परम शांति बाबू जी। बाबू जी, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है? जिसको हम अगर हिंदी में सही भाषा में बोले तो ये कुदरत के नियम क्या होते हैं? जो कुदरत के नियम हैं वो हर नियम हर अलग 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 प्रकार की आत्माओं के लिए अलग अलग होते हैं। जी। जैसे जानवर की जीव के लिए जो आत्मा के लिए बने हैं कायदे, लॉ, नेचुरल लॉ, वो अलग होता है उसकी प्रकृति के हिसाब से। नेचर माना प्रकृति, प्रकृति माना स्वभाव, स्वभाव संस्कार के हिसाब से। जैसे जानवर कोई एक दूसरे की हिंसा करता है, जैसे सिर किसी को काट के खा जाता है तो क्या इसको पाप लगता है? नहीं लगता। नहीं क्यों? लगता। क्योंकि उसकी नेचर ही है दूसरों को खाना, इसलिए ये इसकी नेचर है, इसका स्वभाव है, तो उसको लॉ ऑफ नेचर कहेंगे शेर का। ऐसी तरह क्या मनुष्य का नेचर अलग है तो उसके लिए कायदे कानून अलग बने हैं, नेचुरल लॉ उसके मनुष्य के लिए अलग है। मनुष्य जैसा करता है ऐसा भरता है कहते हैं ना, जी। जो करेगा सो पाएगा। तो जैसे मनुष्य सोचता है कि अच्छे कर्म करोगे, थियरी ऑफ कर्म कहते हैं, अच्छा फल मिलेगा। अगर आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल के कांटे मिलेंगे। तो ऐसी तरह मनुष्य आत्माओं के लिए अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, ये नेचुरल लॉ है। इसलिए किसी को दुख नहीं देना, पाप नहीं करना, ये नेचुरल लॉ है ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्य के लिए। मगर देवताओं के लिए को क्या अलग है? देवता क्या करते हैं? देवताओं पर नियम कौन सा लागू पड़ता है? नेचुरल लॉ देवताओं के लिए लागू पड़ता है, मगर देवताओं के लिए जैसे मनुष्य के नियम है वैसे तो लागू तो पड़ते जैसे ही बाबूजी कर्म के नियम है कि भाई जैसा करते वैसा भरते, तो ये कर्म के नियम है, ये पांच तत्वों के अलग अलग नियम है और ऋतु चक्र के अलग अलग नियम होते हैं, और ये सब ये नेचर किससे बनाया? जैसे हर जगह पे यही लिखा होता है पॉजिटिव थिंकिंग, तो क्या पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव उसका आएगा रिस्पॉन्स, ये जरूरी है क्या? मतलब मेरा ये कहने का है कि कुदरत के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो एकदम सच्चे हैं और जिसने आप जिस नियम को आपने माना है कि ये सही है, तो ऐसे कौन से नियम? देखो, नेचुरल लॉ जो है वो तो हमेशा सदाचार बोला हुआ है, अहिंसा परमो धर्म बोला है, अहिंसा नहीं करना। जैसे आत्मा का नेचुरल लॉ क्या है? आत्मा का स्वभाव संस्कार ही है परम शांति। क्या है परम शांति। आत्मा? हर कोई आत्मा परम शांति चाहती है, मगर परम शांति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा, अगर हर कोई आत्मा परम शांति में रहे तो ये नेचुरल लॉ है, आत्मा का स्वभाव संस्कार है, उसका नेचर में ही है, आत्मा के स्वभाव में परम शांति चाहिए। मगर मनुष्य अवतार में तो परम शांति नहीं मिलेगी ना, तो उसको परम शांति के लिए कौन से लॉ में जाना चाहिए? आत्मा को अगर परम शांति चाहिए तो देवताओं के यहाँ भी परम शांति नहीं है। हाँ है, देवता देवता भी सोमरस पीते हैं, डांस करते हैं। हाँ, देवताओं के यहाँ क्या होता है? सूक्ष्म जगत में क्या होता है? तो सूक्ष्म जगत से भी ऊपर जब कारण जगत में जब जाती है तब वहां परम शांति चाहिए, तब आत्मा ओरिजिनल मूल स्वरूप में आती है। तो वहां प्रकृति के, तो कारण जगत में जो आत्माओं का मूल स्वभाव संस्कार बदल गया ना, नेचुरल लॉ बदल गया ना कारण जगत का, और इसे परम धाम में, परम धाम में आत्मा का संस्कार क्या बन गया? निराकार। तो कर्मों से लेप छेप से अलग, तो आत्मा निराकार बन जाती है, तो उसके नेचुरल लॉ अलग हो गए। परम धाम की आत्माओं का नेचुरल लॉ अलग हो गया, कारण जगत की आत्माओं का लॉ अलग हो गया। क्यों? देवताओं की आत्माओं का लॉ अलग हो गया, मनुष्य आत्माओं का अलग हो गया, जानवरों की आत्माओं का लॉ अलग हो गया। तो ये लॉ ऑफ जस्टिस जो है, जो लॉ ऑफ, लॉ किसको कहेंगे? लॉ मतलब कायदे, नेचुरल कायदे। तो हर प्रकार की आत्माओं को क्या, राक्षस का नेचर कैसा होता है, तो उसको क्या राक्षस क्या भगवान ने बनाया था? नहीं, भगवान ने कौन सा नेचुरल लॉ बनाया था? परमात्मा ने कौन सा नेचुरल लॉ बनाया? परमात्मा ने तो सबसे पहले जगत में फरिश्ते बनाए थे, तो उसमें तो परम शांति की दुनिया बनाई थी, जी शांति में। मगर धीरे धीरे वो नेचुरल लॉ, धीरे धीरे देवता बने, मनुष्य बने, असुर बने, जानवर बने, पशु पंखी बने, तो ये लॉ बनते गए। अब तो ये बाबूजी ये लॉ तो बन गए, लेकिन उसको ऑर्डर में कौन लाता है? बहुत बड़ी बात है। देखो, परमात्मा एक बार सृष्टि बना देता है, अच्छी सृष्टि बनाता है, फरिश्ताओं की दुनिया बनाता है, मगर बाद में वही फरिश्ता धीरे 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 संकल्पों द्वारा मल्टीपल बनाते हैं, मल्टीपल फरिश्ते बने, फरिश्ते से भी देवता बने, तो ये सब गिरावट में आते हैं ना। आत्मा का सबसे पहले परमात्मा जो सृष्टि बनाता है वो सत्वप्रधान सृष्टि होती है, परम शांति की दुनिया होती है। तो ये सबसे पहली जो नेचर होती है वो परम शांति की नेचर होती है।
मगर धीरे 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 सृष्टि बनाती जाती है, परम आत्माएं जो बनती हैं, धीरे धीरे आत्माएं फरिश्ते से देवता बन जाती है, तो वो भगवान नहीं बनाता, असुर क्या भगवान बनाता है? क्या थूल जगत या सूक्ष्म जगत जो है वो तो भगवान तो कारण जगत अच्छे दुनिया बनाता है, फिर कारण जगत से सूक्ष्म जगत बनता है, सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत बनता है, अस्थूल जगत से ये रौरव नरक भी बनता है, तो ये सब आत्माएं बनाती है, आत्मा गिरती चला के आत्मा जीव बन जाती है, जीव आत्मा बन जाती है। जैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ कर्मा है, तो ये जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो ऐसे ही उन्होंने कायदे भी बनाए, और कायदा अगर कोई तोड़ता है तो उसके लिए उसको जस्टिस मिले या उसको सजा मिले, वो भी उन्होंने प्रोविजन किया। तो जैसे बोलता है ना कि कुछ बुरा करोगे, खड्डा खोदोगे तो पहले तुम ही गिरोगे, वो नेचुरल लॉ तो एक ऑटोमेटिक, आत्मा एक सुपर कंप्यूटर है, कोई ऊपर वाला कोई ऐसा नहीं लिखता है, वही हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आत्मा एक सुपर कंप्यूटर, आत्मा एक ऑटोमेटिक पॉजिटिव नेगेटिव, आत्मा के अंदर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म से आत्मा की अंदर रिकॉर्डिंग अच्छी होती है, लोगों को सुख देते हैं, जब लोगों को सुख देते हैं, सत्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो लोगों की भावना पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशन अच्छे होते हैं, दुनिया की भावना पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, तो तुम्हें सुख मिलता है, उस आत्मा के अंदर पावर आती है। जब वही आत्मा नेगेटिव कर्म करती है, लोगों को दुख देती है, तो लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के नेगेटिव संकल्प उस पर रिएक्ट करते हैं, तो उसका कारण शरीर डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो आत्मा में पाप भरता है, लोगों के नेगेटिव संकल्प आना माना, नेगेटिव संकल्प तुम्हारे कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तुम्हारी कारण शरीर में तो रिकॉर्ड होंगे ना, माना आत्मा में ही रिकॉर्ड होता है हर कोई चीज, तो अच्छे कर्म करना माना, अच्छा फल पाना माना आत्मा में ही रिकॉर्ड है, बुरे कर्म माना करना माना, नेगेटिविटी आना माना आत्मा में रिकॉर्ड है, तो ये तो ऑटोमेटिक होता है, उसको कोई भगवान ने कोई ऐसी नहीं दुनिया बनाई, भगवान ने तो बहुत फर्स्ट क्लास दुनिया बनाई, जब ब्रह्मांड के शिव ने बनाई तो बहुत फर्स्ट क्लास दुनिया बनाई थी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई इंसान जो है अगर वो बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसके अंदर ही रिकॉर्ड हो जाता है और समय के हिसाब से उसको उसका फल मिल जाता है, तो ये ऑटोमेटिक है, हर कोई वो ऑटोमेटिक है, कोई चित्रगुप्त कोई ऊपर नहीं बैठा है, चौपड़ा खोल कर बैठता है, हर कोई आत्मा अपने आप सुपर कंप्यूटर ही है, कई आत्मा कई खरबों सालों से जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, जैसे एक फरिश्ता जब सृष्टि के आदि में कोई फरिश्ता बना, फरिश्ता से लेकर वो देवता बना, देवता से मनुष्य बने, तो वो प्रोसेस में आते आते खरबों इंटू खरबों साल हो जाते हैं, जैसे हमारा ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, तो वो आत्मा जो पहली पहली आत्मा बनी तो ब्रह्मा के 50 साल माना कितना होता है, ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 44 करोड़ साल होता है, तो वो आत्मा प्रोसेस में आते आते मनुष्य बन गए, तो वो तो उसकी आत्मा में कितने साल का रिकॉर्ड है, तो समय के हिसाब से ये भी चेंज होता है क्या, ये जो लॉ है जो लॉ ऑफ नेचर है वो भी समय के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, समय के हिसाब से चेंज हो जाता है, जैसे बताया जाता है कि कलयुग में जो भी प्राप्ति है वो भी फटाफट होती है, और अगर अगर कुछ गलत काम करते हैं तो भी उसकी सजा भी फटाफट मिलती है। पहले आत्माओं को संचित कर्म में रिकॉर्ड हो जाता था, कोई भी कर्म संचित कर्म बन जाता था, मतलब कई जन्मों के बाद मिलता था। ओके। आज क्या है कि कोई आत्मा कोई कर्म करती है तो फटाफट एक या दो जन्म में मिल जाता है, ऐसा तो नहीं अभी किया और अभी मिला ऐसा सामने नहीं दिखता अभी किसी को, वो अभी लॉ नहीं है, अभी आएगा मगर लॉ, एक हाथ कर्म कर और दूसरे हाथ में फल पा। जैसे कोई बंदा है अगर वो छोटी सी उम्र का है, उसने अभी कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, उसने बिजनेस भी नहीं किया, उसको एकदम लॉटरी लग जाती है, करोड़ों रुपए मिल जाते, तो कई जन्मों का फल है, कई जन्मों का फल, आज एक जन्म में समझो कि कई खरबोपति घर में जन्म लेता है वो खरबोपति बन जाता है, छोटा बच्चा ही, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से, तो वो तो कई कई अनेकों जन्मों का फल की प्राप्ति है, कई अनेकों जन्म में थोड़ा थोड़ा अच्छा कर्म किया उसके फल है, कोई ऐसा नहीं है कि एक जन्म का फल है, कोई एक जन्म में पैदा हुआ है उसको मिल गया, ऐसा नहीं, अनेक जन्म का फल प्राप्ति है। तो मगर लॉ जो है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, नेचुरल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स अलग है। देखो अगर लॉ ऑफ यूनिवर्स वो बहुत बड़ा वाइड शब्द है, आप यूनिवर्स को क्या समझते हो, यूनिवर्स माना अगर प्रैक्टिकल यूनिवर्स देखा जाओ तो उसमें कई खरबों गैलेक्सियां हैं, तो गैलेक्सियों के लॉ अलग नहीं है, होंगे पर उनको पता ही नहीं ना फिलहाल तो। जैसे यूनिवर्स के अंदर जो बैठा हुआ उसका मालिक है, जैसे हम जिसको हम परमाशिव कहते हैं, यूनिवर्स का मालिक जो सेंटर पॉइंट में बैठकर वो कंट्रोलिंग सिस्टम खरबों गैलेक्सी को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या उसके लिए तो मालिक के लिए कायदे अनम नहीं है, तो मालिक मगर वो भी एक कायदे कानून में बंधा हुआ है, उसके लिए भी नेचुरल लॉ अलग होते हैं, जो उसके पास जो
वो सिक्योरिटी बैठी है जो पूरे यूनिवर्स को, गैलेक्सियों को कंट्रोल करने वाली, सेंटर पॉइंट में सेंटर सिक्योरिटी है, उसके कायदे अलग है, परम तत्वों के कायदे अलग है, परम प्रकाश के कायदे अलग है। तो परम तत्वों में जो बैठे हुए उनके कायदे अलग होते हैं, तो गैलेक्सियों में बैठे हुए जैसे महाशिव है, मालिक है, तो उसको कायदे अलग में है कि जैसे ही महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो क्या उसको कायदे कानून लगे? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खा गया ना, ऐसा कहेंगे ना, हाँ ऐसे अर्थ में तो कहा जाए ना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को खा गया, क्यों खा गया? वो मालिक है। तो जो क्रिएटर है, चाहे गैलेक्सी के क्लियर हो, चाहे एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड का मालिक हो, महाब्रह्मांड का महाशिव हो, ब्रह्मा ब्रह्मांड का परमहंशिव हो, तो उनके कायदे कानून अलग जैसे है। इस वर्ल्ड के अंदर हर, जैसे कोई कोई पुलिस में है, कोई ऊंची पोस्ट पे है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नियम है, वीवीआईपी के अलग नियम है, वीआईपी के अलग है, तो ऐसे ही हर आत्मा के अलग अलग होंगे ऊपर के लोक में। जैसे यहाँ धरती पर राष्ट्रपति को कायदा अलग लागू पड़ता है, मिनिस्टर को अलग लागू पड़ता है, पीएम को अलग लागू पड़ता है, सीएम को अलग लागू पड़ता है, हाँ? हर कोई देश में अलग अलग कायदे कानून बने हुए हैं, जैसे फांसी कई देशों में नहीं है, हाँ? तो ये जो किसी को लागू पड़ता है, जैसे कोई सैनिक किसी को गोली मार देता है ऑपोजिशन वाले को, तो उसको पाप नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं, कर्तव्य पालन करते कर्तव्य समय पालन करता पालन। है, किसी को 100 बम से उड़ा दिया, 100 लोग मर गए, तो उसको पाप नहीं लगता, क्यों? अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो ये कायदे कानून है, मगर देखो जैसे भी गीता नहीं, पर ने, कुदरत का क्या नियम? कुदरत का नियम ये कहता है तुम किसी को मारो तो तुम्हें तो मतलब तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर मगर कोई मिलिट्री कुदरत वाले, का नियम ये है, अब हर कोई के जल तो उसके पीछे लेकिन इंटेंशन होना चाहिए क्या कि भी अगर इंटेंशन बुरा है तो। हर कोई कर्म के पीछे अच्छा इंटेंशन है, अपने देश की सुरक्षा है या धर्म की सुरक्षा है, तो इंटेंशन देखा जाता है ना, हमेशा कोई भी कायदा कानून के पीछे इंटेंशन होता उसका है, भाव क्या है? भाव क्या है, अच्छा है। जैसे भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा कि जो महापापी है, जो हणता है, उसको हण दो, कोई पाप नहीं लगेगा तुम्हें, हाँ ऐसा बोला है। ऐसा बोला है। मगर आज ऐसा लॉ नहीं है, हाँ नहीं, आज यार तुम किसी इंसान को लगता है कि महापापी, उसने 100 खून किया है, और वो तुम नहीं कर उसको गोली सकते, मार दो, तुम्हें अंदर डाल देंगे, क्यों? ये बात तो है। हाँ, मगर वो एक जमाने में था, भगवान कृष्ण ने तो कह दिया, मगर आज वो कायदा नहीं है, नहीं क्यों? कायदा है, क्यों सही नहीं? बात, क्योंकि तुम किसी को मार नहीं सकते, समय बदल गया, समय बदल गया। और युग बदल गया। आज कायदा क्यों बदल गया? क्योंकि जो जो महापापी है उसको कोई कायदा नहीं लागू पड़ता। आज धरती पर तो यही है ना, आतंकवादी को कोई देखो आतंकवादी धरती पर को, आज देखा जाए तो एक ओर से कहा जाए तो महापापियों का राज है ना, वो तो है ही। महापापी खुश है, और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो कायदों से डरते हैं, सुखी है, भगवान को मानते हैं, वो बेचारे मुश्किल में है, वो गरीब तो है। उनको ऑटोमेटिकली उनकी आत्मा क्यों सजा नहीं देती? जैसे एक नॉर्मल, अभी आपने जैसे बोला कि आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, वो तुरंत ही उसको मगर सजा वो देता है। उसको संचित कर्मों को फल देने के लिए टाइम आता है, वो जब जैसे धरती पर बीज डालते, बारिश होती है, तब वो बीज में से अंकुर निकल के फल देता है ना, ऐसी तरह कोई भी कर्म का फल, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, समय आने पर ही मिलता है। अभी इनका समय नहीं है, महापापी है, उसका समय नहीं है, मगर कभी ना कभी एक दिन तो आएगा। कर्म की थियोरी ऑफ कर्म गलत नहीं है, इसलिए कर्म थियोरी ऑफ कर्म से मानना चाहिए, मगर थियोरी ऑफ कर्म हर कोई जगह अलग 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 लगता है। देवताओं के लिए अलग कायदे हैं, देवताओं के, जैसे एक बात बताओ कि अगर कोई अग्नि देवता है, अग्नि देवताओं को ऊपर से डायरेक्शन मिलता है, इंद्र डायरेक्शन देता है उसको जला दे, हाँ? तो अग्नि देवता पूरा कोई जलाकर भस्म कर देता है, तो क्या अग्नि देवता को पाप लगेगा? क्योंकि उसको तो डायरेक्शन मिला, इंद्र ने दिया, वो मालिक है उसका, तो अब इंद्र को ये जरूर था कि यहाँ ये असुरों का विनाश करना जरूरी था, तो असुरों के नगर को जला के भस्म कर दिया, तो उसको कोई कायदा कानून नहीं लागू पड़ता। देवताओं को भी ऐसे बता जाते, देवताओं को कायदा कानून नहीं लागू पड़ता, फिर भी देवता कायदे कानून में आ जाते थे, ऐसा कहते हैं। देवता कोई भी कायदा से, नेचुरल ऑफ लॉ से कोई भी पर नहीं है, चाहे देवता हो, उनका भी इंटेंशन गलत हो, उनका भी भाव गलत होगा, तो वो तो फंस ही जाएंगे ना उसमें तो कोई। मगर तुम महाअसुरों को मारते हो तो तुम्हें पुण्य का खाते लगता है। इसलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा महाभारत के युद्ध के दौरान, बोला ना कि सामने जो भी तेरे चाचा मामा जो भी खड़े हैं, तेरे गुरु गुरु जो भी खड़े, देह और देह के संबंधी जो खड़े हैं, वो सारे जिंदा लाशें हैं, क्या है? तू उसको मार डाल। क्या बोला? तू उसको मार डाल, अगर तू नहीं मारेगा तो वो तेरे को मार डालेंगे, और फिर जो इस धरती पर राज्य करेंगे और राज्य में जो अत्याचार करेंगे उसका पाप तेरे को लगेगा, क्योंकि तू अपनी ड्यूटी नहीं करता। तेरी ड्यूटी क्या है? अपने देह और देह के संबंधियों को तू मार डाल,
जो पापी है, महापापी है, चाहे भीष्म पितामह, भले उसका भीष्म पितामह क्या था, भीष्म पितामह तो भी उसने मार डाला ना, गुरु को मार डाला उसने, कर्ण को मार डाला, भाई को भी मार डाला, क्यों? क्योंकि वो पापियों की लाइन में खड़े थे, तो जितने पापी है उनको मारना है पुण्य का काम है, उस समय में ऐसा, उस समय में था, आज की ड्यूटी में नहीं है, आज कायदे कानून बदल गए। ऐसी तरह जब यूनिवर्स है, एक बात बताओ, एक गैलेक्सी है, अब एक गैलेक्सी का मालिक दूसरी गैलेक्सी को खा जाता है, पूरी की पूरी हब कर जाता है, तो उसको कौन सा कानून लागू पड़ेगा? वो तो वहां का तो पता ही नहीं कि ये पाप है कि पुण्य है कि क्या है, नेचुरल लॉ ऑफ गैलेक्सी क्या है, वो तो वो वहां के लोग ही जाने। नहीं, मगर आप जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में गैलेक्सी का कायदे नहीं आएंगे, यूनिवर्स में भी मल्टीपल यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के भी चलने के कायदे होंगे ना, कि एक यूनिवर्स दूसरी यूनिवर्स को खा जाए, शब्द जो है ना, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स केवल मनुष्य के नहीं है, धरती के नहीं है, एक ब्रह्मांड के नहीं है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी के भी नहीं है, लॉ ऑफ यूनिवर्स परम महाब्रह्मांड के, तो सभी यूनिवर्स को भी एक समान कायदे लागू पड़ेगा। मगर हर जगह अलग अलग है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी गहराई में जाना पड़े, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ गैलेक्सी, लॉ ऑफ ब्रह्मांड, लॉ ऑफ शिव, लॉ ऑफ महाशिव, लॉ ऑफ देवता, लॉ ऑफ मनुष्य, लॉ ऑफ प्राणी जगत, सही बात है, ये सब नेचुरल जस्टिस, ये सब बहुत गहरा सब्जेक्ट है। मगर ये आज इंसान को इतना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है वो समझना चाहिए, और सत्य कर्म करना चाहिए। सत्य कर्म है कि जगत कल्याण में अपना योगदान दे, तो सत्य, अगर ह्यूमन बीइंग अगर इस धरती पे रह के अगर पॉजिटिव सोचे और अपने जो कर्तव्य वो पालन करे, तो फिर तो कोई गलत तो कर ही नहीं सकता फिर बाद में। मगर आजकल जो ह्यूमन बीइंग की एक डेफिनेशन दुनिया में चली है, ह्यूमन बीइंग जो आज एक एक बहुत बड़ा वर्ल्ड व्यापी है, ह्यूमन बीइंग बी ह्यूमन और बहुत सारे, नहीं मतलब एक क्राइम ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट है कि 99 पापी को सजा, 99 पापी छूट जाए, मगर एक एक को, एक को नहीं सजा मिलनी चाहिए। क्या आज क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट के नाम तो आज ही निकल जाता है, तो कहां से आया ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट? दिमाग किसी के बनाया तो दिमाग में कहां से आया? वो तो नेचुरल ऑफ लॉ की जस्टिस के लिए उसने ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट बनाया, मगर उसके कारण एक बात बताऊं कि उसका मिसयूज हो रहा है ना, हर कोई जो एक्ट बने उसका मिसयूज हो रहा है। इसलिए आज जो नेचुरल ऑफ लॉ है, नेचुरल ऑफ जस्टिस है, नेचुरल ऑफ गॉड है, पांच तत्वों की जो दुनिया है और परम तत्वों की जो दुनिया है उसमें अलग अलग कायदे हैं। ये पांच तत्वों की दुनिया है, सूक्ष्म जगत के कायदे अलग है, परम तत्वों की दुनिया अलग है, परम प्रकाश की दुनिया अलग है, उस सबके लिए अलग अलग कायदे। मगर उसके लिए कायदे कहाँ अप्लाई होंगे, उसके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज के बिना तुम भी नेगेटिव संकल्प करोगे तो केवल सोचने मात्र से भी नेगेटिविटी तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग हो जाएगी और तुम्हें इसका कर्म फल करेगा। तो अज्ञानता में अगर ऐसा कोई कर्म होता है नेगेटिव, अगर वो सोच लेता है, तो वो प्रायश्चित क्या करे, क्या करना चाहिए उसे? देखो प्रायश्चित क्या है, जैसे बता दे ना कि ब्राह्मणों को कई गुना सजा मिलती है क्योंकि वो ज्ञानी है, इससे कम ज्ञानी है क्षत्रिय, इससे कम ज्ञानी है वैश्य, और शूद्र को कोई ज्ञान नहीं होता तो शूद्र को कम सजा मिलती है। तो अज्ञानी है और जिनको नॉलेज नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो सरकार भी एक बार कोई भी लॉ के अंदर आ जाता है मुझे ज्ञान नहीं है तो माफ कर देता है एक बार, तो उसकी रिविजन पिटीशन करो तो मिल जाती माफी। तो भगवान के घर के अंदर भी ऐसे जो अज्ञानी है और जिसको लॉ का पता नहीं है, बच्चा छोटा बच्चा है उसको पता नहीं है, और किसी को पकड़ के ऐसे कोई जा रहा है, जैसे ये एक छोटा बच्चा बैठा है खेल खेल में चींटियों को मार डालता है, कोई ऐसे किसी को मार डालता है खेल खेल में, तो क्या उसको पाप लगेगा? तो ये सभी जस्टिस अलग 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 है, मगर इसके पीछे इंटेंशन होना चाहिए। अच्छा इंटेंशन हो तो झूठ बोलने वालों को भी पुण्य मिलता है, अच्छे इंटेंशन के लिए जो झूठ बोलता है। जैसे उस दुष्ट ने बोला ना, नरोवा कुंजरोवा, हाथी मरा है मगर कौन सा हाथी, मतलब मनुष्य, वो उसने बोला ना वो गुरु को अपने मिसगाइड करने के लिए, तो उसने बोला ना अश्वत्थामा मरा है मगर कौन, अंदर बोला नरोवा कुंजरोवा, नरोवा हाथी भी मरा है या मनुष्य भी है। तो ये कोई अच्छी कार्य के लिए कोई झूठ बोलता है तो उसका झूठ का मतलब पुण्य के खाते जमा होते। इसलिए नेचुरल ऑफ लॉ बहुत अलग 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 है,
हर समय परिवर्तन होता है, नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ सब जगह बदलता रहता है, समय आने पर हर चीज बदलती रहती है, तो कायदे कानून बदलते रहते हैं।